फ्रेंड्स, मैं हिशु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल लेट्स डू समथिंग न्यू में। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ये बहुत ही खूबसूरत मोबाइल बैग, स्लिंग बैग है ये। इसको हमने बनाया है 3 mm मैक्रमे नायलॉन कॉर्ड से। तो मोबाइल के लिए हर साइज़ का मोबाइल इसमें इजीली फिट हो जाएगा, जितने भी स्मार्टफोन्स होते हैं। ये देखिए, इजीली इसमें ये जा रहा है, बहुत ही इजीली ये आराम से निकल भी आएगा। और ये यहाँ से इस तरह से हम ऊपर से थोड़ा सा टाइट कर देंगे तो ये मोबाइल अपने आप बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन जब इसको लूज़ करके हम निकालेंगे तो बहुत ही ईजिली ये बाहर भी आ जाएगा। तो वीडियो में बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगी कि अगर आप अपने पर्टिकुलर साइज़ का मोबाइल केस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैक्रमे कॉर्ड आप कैसे मेज़र करें। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ली हैं 3 mm की नायलॉन कॉर्ड्स। आप कॉटन कॉर्ड से भी बना सकते हैं। तो ये मेरी है एक एक कॉर्ड 170 cm की। 3 cords हम यहाँ ले रहे हैं। सबसे पहले हम इसका स्ट्रैप बनाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ब्रेडेड पैटर्न यूज़ किया है। नॉर्मल जैसे हम ब्रेड करते हैं तो उस तरह से हम इस तरह से, या सीधी भाषा में हम कहें कि जैसे हम चोटी गूंथते हैं, बिल्कुल उस तरीके से हम तीनों डोरियों के साथ ये पैटर्न जो यहाँ पर है कंप्लीट कर लेंगे, जितनी भी हमारी 170 cm की डोरी है वहाँ तक। की डोरी जो हमने ली है, इससे हमारा जो स्ट्रैप है 120 cm का रेडी हुआ है। तो यहाँ से हम इसको बांध कर अभी रख देंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है बाद में। तो अभी हम अपना बनाएंगे बैग। तो उसके लिए मैंने ली है ये 70 cm की 2 cords। उनको हम इस तरह से बांध लेंगे ताकि वो खुले ना। और फिर देखिए, इस तरह से ऑपोजिट रख के दोनों की गांठ हम यहाँ पर इसको सेट कर लेंगे ताकि अपनी बाकी की कॉर्ड्स इसमें एडजस्ट कर सके। तो ये हम यहाँ पर हम 16 cords येलो लेंगे और 8 cords हम लेंगे ब्लू कलर की। तो 160 cm की एक एक कॉर्ड है ये। तो रिवर्स लार्क हेड नोट लगाते हुए यहाँ हम अपने 12 cords जो है वो इस तरह से एडजस्ट करेंगे। सेंटर में 2 येलो, फिर 2 ब्लू, और साइड्स में 3 येलो। इसी तरह से हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है कॉर्ड्स अपनी रिवर्स लार्क हेड के साथ यहाँ पर अटैच कर ली है। तो अब हम जो है अपना पैटर्न शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंपल रो जो है स्क्वायर नोट्स के लगाएंगे। देखिए, स्क्वायर नोट लगाने के लिए पहले हम लेफ्ट साइड से शुरू कर रहे हैं। एक 4 का शेप मैंने कॉर्ड से बनाया और राइट साइड वाली कॉर्ड को इस तरह से लूप के अंदर से निकालते हुए ऊपर की तरफ खींच लिया। अब अक्सर गलती कर जाते हैं कि हमारी स्क्वायर नोट्स जो है गलत बन जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कभी भी आपकी स्क्वायर नोट गलत नहीं होगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो ऊपर वाला कॉर्ड, ये देखिए जो थ्रेड ऊपर वाला है, उधर वाली साइड से आपको दूसरी बार जो है नॉट लगानी है। ये देखिए, अब ये हेड इधर वाली साइड आ गया है लेफ्ट साइड पर। तो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारी स्क्वायर नोट्स जो है कभी भी गलत नहीं बनेंगी। तो पहले हमने जो है लेफ्ट साइड से शुरू किया, दूसरी बार हमने राइट साइड से शुरू किया। ये देखिए, ये हेड अपना राइट साइड पे है ना, तो जिधर ये हेड होता है अगली नोट हमें उधर लगानी होती है। अक्सर हम पैटर्न बनाते बनाते बीच में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाते हैं, भूल जाते हैं लेफ्ट लगाना है कि राइट लगाना है। तो लेफ्ट राइट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधा सीधा ये देखिएगा कि जिधर हेड है बस आपको अगली नोट उधर लगानी है। तो ये जो 2 साइड वाली कॉर्ड्स बची हैं वो हम दूसरी साइड वाली 2 कॉर्ड्स को साथ लेके एक एक स्क्वायर नोट लगाएंगे, लेकिन बाद में जब यहाँ से हम इसको खोल लेंगे। तो अभी हमें ये पैटर्न बिल्कुल इसी तरीके से पूरा करना है। बस 2 स्क्वायर नोट्स के बीच में से एक स्क्वायर नोट हम बना देंगे ताकि वो पैटर्न जो है वो अपना शेप ले ले। तो ये देखिए, हम एक साइड पे पहले इस तरह से एक हमारा पैटर्न बना लेंगे और इसी तरीके का पैटर्न हम दूसरी साइड पे भी बना लेंगे। हमने दोनों साइड पे इस तरह का पैटर्न बना लिया है। अब हम चलिए इनको आपस में अटैच करते हैं। अभी ये आपस में अटैच नहीं हुआ है। तो आपस में अटैच करने के लिए हमने 2 साइड में जो कॉर्ड्स छुटी हुई हैं उनको आपस में हम जोड़ देंगे। बस इनको पकड़कर सिंपल स्क्वायर नॉट लगा देंगे तो ये पूरा हमारा बैग जो है आपस में जुड़ जाएगा।
यानी कि साइड से भी हमें इसी तरीके से इसको वीप करना है जिस तरीके से हम फ्रंट से बना रहे हैं। तो दोनों साइड पे हम इसी तरह से स्क्वायर नोट लगाकर इसको गोल शेप दे लेंगे। ये देखिए हमारा राउंड हो गया है ना ऊपर से। तो अब हम जो है बाकी की जितनी भी जगह बची हुई है वहाँ पर इसी तरह से स्क्वायर नोट्स लगाकर इसको चारों तरफ से सेम जो है शेप दे लेंगे। जितनी जितनी भी जगह बची है बस हर दो स्क्वायर नोट्स के बीच में आप एक स्क्वायर नोट लगाते जाइए, आपका पैटर्न जो है वो एकदम पूरा हो जाएगा चारों तरफ से। जहाँ जहाँ भी आपको लगे दो दो स्क्वायर नोट्स के नीचे एक एक जगह खाली है बस वहाँ एक स्क्वायर नोट लगा लीजिए। ये देखिए ऊपर से हमारा कंप्लीट होना शुरू हो गया है ना पैटर्न। तो बस इसी तरीके से जहाँ तक हमारी वो हमने फ्रंट वाली वी बनाई है वहाँ तक पहले ले आइए और फिर चारों तरफ इसको घुमाते हुए इस तरह से एक एक नोट लगाते जाएंगे और हमारी स्क्वायर नोट्स की लाइंस कंप्लीट करते जाएंगे। तो हमारा पैटर्न जो है बनता जाएगा नीचे तक। तो हम तकरीबन 10 सेंटीमीटर या 11 सेंटीमीटर तक ये पैटर्न जो है वो फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप मेरे इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस और भी देखते रहें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आप और क्या देखना चाहते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं वैसा ही वीडियो लेकर आऊँ। तो ये देखिए हमारा दोनों तरफ से एक ही जैसा लग रहा है ना, तो इसको हम यहाँ पर 10 सेंटीमीटर तक बना लेते हैं। देखिए 10 सेंटीमीटर हो गए हैं तो हमारा पैटर्न बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो थोड़ा सा डिज़ाइन नीचे हम चेंज करेंगे, तो ब्लू से ही शुरू करते हैं। तो जहाँ पर हमने इसको छोड़ा था वहीं से हम यहाँ पर स्पायरल पैटर्न शुरू करेंगे। तो स्पायरल पैटर्न के लिए जो देखिए आप देख रहे होंगे मैं राइट साइड से हर बार नोट लगा रही हूँ। तो स्पायरल पैटर्न जब भी हम बनाते हैं उसमें स्क्वायर नोट जो हैं सिर्फ एक ही साइड से लगाते हैं, यानी कि हाफ स्क्वायर नोट्स लगाई जाती हैं। पहले तो हम एक बार राइट से एक बार लेफ्ट से इस तरह से लगा रहे थे ना, लेकिन जब स्पायरल पैटर्न बनाते हैं तो खाली एक ही तरफ से बनाते हैं। बस उसको थोड़ा ट्विस्ट भी करेंगे, उसके बाद भी हम याद रखेंगे कि हमने जिस साइड से पहली नोट लगानी शुरू की है उसी साइड से हम सारी नोट्स लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर 8 टाइम ये नोट्स लगा रही हूँ। तो टोटल 8 नोट्स जो हैं मैंने यहाँ पर राइट साइड से लगाई हैं। इसी तरीके से हम सभी जितनी भी हमारी ये कॉर्ड्स हैं सब में इस तरह से नॉट्स लगा लेंगे, ब्लू के नीचे ब्लू और येलो के नीचे येलो आए इसका ध्यान रखते हुए। तो ये देखिए नीचे से हमारा पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम वापस से अपने ऊपर वाले पैटर्न को फॉलो करेंगे, यानी कि हम ये दो येलो और दो ब्लू की कॉर्ड्स को लेते हुए एक एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। तो ये सारी जो है स्पाइरल जो हमारा पार्ट बना है वो आपस में फिर से अटैच हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम दो रोज जो है वो बनाएंगे। देखिए स्क्वायर नोट की एक रो हम बना रहे हैं, इसी तरीके से हम एक रो और बनाएंगे। तो ये देखिए हमने 2 रोज जो है स्क्वायर नोट्स की बना ली हैं। अब हम अपना पैटर्न जो है यहीं पर कंप्लीट करते हैं और नीचे से इसको बंद करते हैं। तो उसके लिए हमें पहले अपने पर्स को उल्टा करना पड़ेगा। तो उल्टा हमने कर लिया है, अब हम इसको नीचे से बंद करेंगे। तो देखिए बंद करने के लिए हमें क्या करना है, बिल्कुल हम साइड वाली कॉर्ड को ढूंढेंगे। तो साइड में जो हमारे जा रही हैं ये 2 कॉर्ड्स, तो उनको हम पकड़ लेंगे और उसके दोनों साइड में यानी कि उसको हम मिडिल कॉर्ड बना लेंगे और उसके दोनों साइड वाली 2 कॉर्ड्स को लेके इस तरह से यहाँ पर स्क्वायर नोट लगा लेंगे। तो ये जो हमारी मिडिल कॉर्ड है यानी वर्किंग कॉर्ड है इसको हम छोड़ेंगे नहीं, सारी कॉर्ड्स के साथ यहाँ पर नोट्स जो लगाएंगे वो इसी कॉर्ड के ऊपर लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको छोड़ा नहीं है, इसको पकड़े रखा है और दो दो कॉर्ड्स फिर से साइड वाली ली हैं और यहाँ पर फिर से एक स्क्वायर नोट हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो आधी स्क्वायर नोट्स हम इधर वाली साइड से लगाएंगे, आधी हम दूसरी साइड से लगाएंगे, यानी कि टोटल हम यहाँ पर 6 स्क्वायर नोट्स लगाएंगे और 6 स्क्वायर नोट्स जो हैं हम दूसरी साइड से लगाएंगे
और सेंटर में फिर उनको हम आपस में गांठ बांध देंगे ताकि पैटर्न जो है आपस में अटैच हो जाए दोनों, और एक्स्ट्रा रोप्स को हम कट कर देंगे। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हम अपना पर्सनल मेजरमेंट लेना चाहते हैं, यानी कि हम बिल्कुल अपने फ़ोन केस के हिसाब से मेजरमेंट्स लेना चाहते हैं, तो आप पहले अपने फ़ोन को मेज़र कर लीजिए, फ़ोन का नाप ले लीजिए। यानी कि फ़ोन अगर आपका मान लीजिए 12 सेंटीमीटर, कई बार छोटे होते हैं ना हमारे पास फ़ोन, तो उसके साइज़ का अगर हम बनाना चाहते हैं तो पहले उसको आप नाप लीजिए। जैसे वो मान लीजिए कि वो 10 सेंटीमीटर का है और हम 10 सेंटीमीटर के हिसाब से ही बनाना चाहते हैं, तो बस 10 को आप 8 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि वो 80 हो गया है। तो आपको हर एक कोट जो है वो 80 सेंटीमीटर की लेनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा फ़ोन जो है वो तकरीबन हमने 18 सेंटीमीटर के हिसाब से बनाया है फ्री साइज़ बनाने के लिए, इसलिए वो तकरीबन जो है हमारा 144 सेंटीमीटर हमें रोप चाहिए थी, तो मैंने इसलिए वो थोड़ी सी ज़्यादा करके ले ली है। देखिए अब नीचे मेरी कितनी कितनी ज़्यादा ज़्यादा बच भी रही है, तो बहुत ज़्यादा नीचे बचाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इनको कट ही करना होता है। तो अगर मैं 144 सेंटीमीटर लेती तो भी ये एग्जैक्ट आ जाता। हमेशा थोड़ा सा मार्जिन लेके चलना चाहिए। मान लीजिए आप 10 सेंटीमीटर का पर्स बना रहे हैं तो उसके लिए आपको 80 सेंटीमीटर रोप चाहिए, तो आप 80 मत लीजिए, हमेशा 10 सेंटीमीटर जो है बढ़ा कर लीजिए, यानी कि 90 सेंटीमीटर की आप एक एक रोप लेकर फिर अपना जो है बैग रेडी कर सकते हैं। तो बस मेन यही इसका की मेज़रमेंट होता है कि आपको कुछ भी बनाना है बस उससे 8 टाइम ज़्यादा जो है आप अपना रोप ले सकते हैं, यानी कि जितने साइज़ का आपका प्रोजेक्ट है उससे 8 टाइम ज़्यादा आपको रोप लेनी होती है प्लस 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। तो बस ये देखिए इस तरह से हमने अपना नीचे से पैटर्न सारा कंप्लीट करके एक्स्ट्रा रोप्स को कट कर दिया था, और जितनी भी ये रोप्स कटआउट्स इसके यहाँ पर नज़र आ रहे हैं इनको यहाँ पर लाइटर की हेल्प से यहाँ पर चिपका देंगे। नायलॉन कोर्ड्स हैं, बहुत ही इजीली चिपक जाती हैं। अगर आप कॉटन कोर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो फैब्रिक ग्लू से बेटर कुछ भी नहीं है, फैब्रिक ग्लू लीजिए और यहाँ पर उनको चिपका दीजिए, तो अंदर से भी ये बहुत ही नीट एंड क्लीन रहता है। अगर आप नहीं भी चिपकाएंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये पार्ट तो अंदर ही चला जाएगा। हम इसको देखिए वापस से सीधा कर लेते हैं, तो चिपका देंगे तो थोड़ा सा अंदर से भी फिनिशिंग रहती है। तो फैब्रिक ग्लू से आप कॉटन कोर्ड चिपका सकते हैं और नायलॉन कोर्ड्स को तो लाइटर से ही हम फिक्स कर सकते हैं। तो अब अपना स्ट्रैप जो है हम यहाँ पर फिक्स करेंगे, तो बिल्कुल साइड्स में ये देखिए हम बिल्कुल साइड्स वाली जो स्क्वायर में जो स्क्वायर नोट है सेंटर वाली, तो वहाँ से शुरू करेंगे। तो एक साइड की देखिए तीनों रोप्स को हम पहले इस तरह से अंदर डाल लेंगे, देखिए मैंने एक ही जगह पर नहीं डाला, तीनों को अलग अलग होल में से डाला है। तो अंदर तीनों रोप जाने के बाद अंदर हम इसके स्क्वायर नोट बना देंगे। तो जितनी आपके पसंद रोप हो, आपकी 2 स्क्वायर नोट्स बन रही है 2 बनाइए, 1 बन रही है 1 बनाइए, 1.5 बन रही है तो 1.5 बनाइए। तो मेरी यहाँ पर 1.5 स्क्वायर नोट बनेगी, यानी कि मैं 3 टाइम्स ये नोट लगा रही हूँ। बहुत ही अच्छे से हमें टाइटली यहाँ पर ये स्क्वायर नोट्स लगानी है, एकदम टाइट हाथों से, ताकि वो खुले ना। बस ये हमने स्क्वायर नोट्स लगा दी हैं, एक्स्ट्रा रोप्स को हम यहाँ पर भी कट करके उसी तरीके से चिपका देंगे। चिपकाने से इसकी फिनिशिंग भी आ जाएगी और इसको स्ट्रेंथ भी मिलेगी। तो देखिए इसी तरह से हम दोनों साइड पे कर लेंगे, तो हमारा स्ट्रैप लग गया है। अब हम ये जो हमारी इसको बांधने वाली डोरी है इसमें बीड्स डालेंगे, क्योंकि ये ऐसे तो अच्छी नहीं लग रही, तो इसकी लंबाई भी ज़्यादा है थोड़ी सी, तो इसको हम थोड़ा कट करेंगे। और देखिए पहले हम इसको यहाँ से खोलकर इसके अंदर अपना ये वुडन बीड डाल रहे हैं,
आप चाहें तो वैसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बीट डालेंगे तो इसकी थोड़ी सी खूबसूरती और बढ़ जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर हम एक बीट डालकर एक्स्ट्रा रोप को कट कर देंगे। तो दोनों साइड हम इस तरह से बीड्स डाल लेंगे। तो देखिए कितना प्यारा हमारा स्लिंग बैग, बॉडी डिवाइडर बैग जो है बनकर रेडी है। ये हमने स्पेशली आज बनाया है अपने मोबाइल को कैरी करने के लिए। तो आप भी ज़रूर बनाइए, मुझे इंस्टा पे टैग कीजिए, अपना पर्स बनाकर मुझे इंस्टा पे ज़रूर टैग कीजिएगा। मेरा इंस्टा हैंडल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक देखते रहिए लेट्स डू समथिंग न्यू। थैंक यू, बाय बाय।